भारत से चल रहे विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को करारा झटका लगा है। उनकी पीपल नेशनल कांग्रेस पार्टी देश की राजधानी माली में हुए मेयर चुनाव हार गई है। भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने शनिवार को राजधानी माले के मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। खास बात यह है, मुइजू माले से ही मेयर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मेयर पद से ही इस्तीफा दिया था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की पार्टी पीपल नेशनल कांग्रेस को मेयर चुनाव में शर्मनाक हार मिली है। पीएनसी के उम्मीदवार ऐशत अजीमा शकूर को एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मालदीव के सन ऑनलाइन समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक एडम अजीम के प्रतिद्वंदी मुइजू पीपल्स नेशनल कांग्रेस के ऐशत को 3,301 वोट मिले, जबकि 41 राउंड की गिनती के बाद अजीम कुल 5,303 वोटों पर थे। मालदीव की राजधानी माले में मेयर पद का हाल तक मुइजू के पास था। मुइजू के पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद से इस्तीफा दिया था। उधर मालदीव मीडिया ने अजीम की जीत को प्रचंड जीत बताया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में कम मतदान हुआ था। प्रतिद्वंदी का नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोहेल कर रहे थे, जो राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक नेता मुइजू से हार गए थे। मेयर चुनाव की जीत के बाद भारत समर्थक विपक्षी पार्टी की उम्मीदें फिर जिंदा होने लगी हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू हाल ही में चीन की 5 दिवसीय राजकीय दौरे से लौटे हैं। उन्होंने माले आते ही भारत के लिए बिना कहे, हमारा देश छोटा हो सकता है लेकिन इससे किसी को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिलता, ऐसा एक बयान जारी किया। मुइजू का ये बयान मालदीव के 3 मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच आया है। वहीं चीन की हाई प्रोफाइल यात्रा के दौरान मुइजू ने मालदीव को चीन के करीब लाने की मांग की है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।